are you 100% sure that memorandum came from hussein hakani, yes or no? not 100% sure. i'm telling you it came from him, period. <laughs> there's no ambiguity of language needed there. he conceived it. Hmm. he edited it. he gave me every single, you know, uh, Point, if you will, that needed to be made. And all I did was act like a typist to make sure that that, you know, because General Jones insisted that it be in, in written form and not in, uh, in oral or a verbal uh, type of message. Okay, now please listen to my question very carefully. Did you believe that the content of that memorandum came under treason? I, I, I think from my standpoint, if I thought it was treasonous, I wouldn't have probably put it uh, up to General Jones and asked him to send it in. But, um, you know, clearly, uh, it, it, as they say, the beauty is in the eye of the beholder. And in this case, the, 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 um, whether the content can be considered treasonous or not is truly in the eye of, of, of the people of Pakistan. And that's for them to decide. Well, you said that you have had no contact with Hussein Haqqani, but have you had any contact with DGISI since the really 2nd October meeting? Uh, we have had several uh, times contact to discuss the security arrangements okay. whether they were okay. genuine or not and and uh, you know sometimes uh, we talked about the logistics of how uh, i would get into and out of the country thank safely you. The thank airport, you thank you very much uh, mr ijaz sheikh अब आप क्या समझते हैं आप तो शुरू से कह रहे हैं कि आपको यकीन है इस मामले में लेकिन अगर फर्श करें मंसूर एजाज के पास कोई एविडेंस ही ना हो या प्रेजेंट ही ना कर सके फिर क्या होगा देखें मंसूर एजाज की अपनी पर्सनैलिटी की नफ़ी होगी और मंसूर एजाज हाँ। का नाम बतौर एक आ, 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 अच्छे नाम से इस मुल्क में नहीं लिया जाएगा जिसने इतना बड़ा बुहान अगर ये ट्रू रहता है, है जिस तरह के मैं पहले दिन से कहता हूँ कि मुझे यह सच दिखाई देता है माइंड इट फरिया नेक्स्ट इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप इश्यू यही है आई रिपीट इट जिस केस ने मेमूगेट ने इस कौम को शोला जवाला बनाया है, और ये इलेक्शन में कौम आग बगोला होके इस केस का इंतकाम लेगी और इसका फैसला मुझे यकीन है एदर दी साइड इलेक्शन से पहले आएगा हमने बहुत जज्बाती फैसले किए हैं बहुत जज्बाती इलेक्शन में नारे स्लोगन दिए हैं एटम बम से लेकर मसला कश्मीर तक लेकिन ये केस ऐसा है जो मौजूदा वक्त का नहाय नाजक मोड़ और वक्त पे आने वाला केस है मैं आपके हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ मेरा ईमान की हद तक ये ख्याल है कि हुसैन अकानी जिसका नाम है जिसकी गंदी और परागंदी सोच से मैं वाकिफ हूँ मैं उससे बैद नहीं समझता कि उसने जिसने शहीद बेनजीर भुट्टो के बारे में पीटर गैलब्रत को एक अपने फौज दस्तों से उसका ख़त बनाया और करदार कुशी का वो मुल्क की करदार कुशी और दूसरे मसलों में रोल अदा कर सकता है एंड आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट दिस टुडे दैट दिस विल बी अ वन ऑफ द टॉप इशू इन दमिंग एलेक्शन और ये पाकिस्तान के एलेक्शन के दो दीवार को हिला के रख देगा लेकिन अभी मंसूर एजाज साहब तक ने ये बात कह दी कि वो भी समझते हैं अब कि अगर ये ये जो कंटेंट था ट्रीजन के अंडर आता है लेकिन जो आपने बात की थी आपने कहा था क्लिप चला दो प्लीज उसको सुन लीजिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर मुझे बताएगा कि आपका वही है या तब्दील हो गया है शेख साहब आपने कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में क्या कहा नहीं ये भी डिप्रेशन हो सकती है मैं झूठा आदमी नहीं हूं मैं मैं समझता हूं मैं नहीं समझता था कि फौज इस केस से पीछे होगी और मुझे मालूम नहीं है कि कैसे पीछे हुई और मेरा ईमान की हद तक ये यकीन है कि यह केस सच्चा था मैं गलती भी हो सकता हूँ खुदा मेरा गुना माफ़ करे मैं किसी पर वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता शेख साहब आपने सुना आई स्टैंड फॉर दिस मैं फ़ौज के इमेज और वक़ार के लिए मैं जहां इस मुल्क की आ, सारे मामला को डिक्लाइन देख रहा हूँ इस मुल्क के मामला की जिस तरह इमेज जो तबाह बर्बाद हो रही है इस मुल्क में जिस तरह लोग मेरे समेत डिप्रेशन का शिकार होने जा रहे हैं मेरे समेत लोग ये सोच रहे हैं या अल्लाह हमारे मुल्क का क्या बनेगा बलोचिस्तान की ख़बरें क्या आ रही हैं दूसरी जगहों की ख़बरें क्या आ रही हैं अमेरिकन कांग्रेस क्या कह रही है और इंटरनेशनल एजेंडे पर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं हमारी इकॉनमी कैसे डिजास्टरी हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे ख़त्म हो रही है हमारे कारखाने कैसे बंद हो रहे हैं मैं उस लजे में यह सोचता था कि अगर फ़ौज एक इतना बड़ा अदारा है जिसने मुल्क की सालमियत का हल्फ उठाया है अगर वो भी ऐसे सालमियत के केसों से पीछे हो जाती है तो फिर इसमें उसके इमेज पर फ़र्क आता है मेरी दुआ है कि मेरी सियासत रहे या ना रहे मेरा सियासत में नाम रहे या मिट जाए लेकिन मेरी ये दुआ है कि इस मुल्क में पाकिस्तान का पाकिस्तान के अदारों का पाकिस्तान की कौम का पाकिस्तान की फ़ौज का झंडा बुलंद रहे

इशू के हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के बारे में खुद सदस्य साहब भी कह चुके हैं कि वो पार्लियामानी कमेटी को देखेंगे मेमो कमीशन के बारे में और मेमो कमीशन के ऊपर शायद उसकी नस्बत पार्लियामानी कमेटी को ज्यादा सबसे जानेंगे तो क्या ये पॉलिसी अभी तक कायम है हम ये भी जानना चाहेंगे कि हुसैन हकानी साहब क्या दोबारा पाकिस्तान आएंगे मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड कराने के बाद हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब मंसूर एजाज ने ब्लैक कंपनी को अपना प्रेवेसी का हक दे दिया तो यही चीज़ हुसैन हकानी साहब भी करते तो शायद ये मामला बड़ी आसानी से हल हो जाता और हम ये भी चाहेंगे जानना चाहेंगे कि वीडियो लिंक का Uh, जो तमाम मामला होगा उसके बाद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का मौका क्या होगा ये तमाम हैं किसी और प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इन सवालत को उठाएं और किसी सीनियर रहनुमा से आपकी मुलाकात इन सवाल का जवाब भी हमें मिले मीन वायल दुडेज प्रोग्राम अपने अपने घरवानों का ख्याल रखिएगा मुझे आप लिख सकते हैं न्यूज़ बीट एस डॉट टी वी और जॉइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़ बीट विद फरिया अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा अल्लाज